देखिए समीकरण एक से E1 का मान रखने पर जो हम लोगों का सूत्र प्राप्त हुआ था बोल दे दे E बराबर 2E1 गुणे D/2 का होल बाई अंडर आर रूट आर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। तो E1 गुणे D/2 का होल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर फोर। देखिए आपको मैं यहां बता दूं कि समीकरण एक से E1 का मान रख लेना है। समीकरण एक से E1 का मान रखने पर तो 2 गुणे E1, E1 का मान 1/4 पाई एप्साइलन 0 जीरो इंटू के इनटू इंटू क्यू के बाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। यही हुआ था। अब इतना जो आप मान रखे हैं ये वाला मान केवल इवन का है, गुणे ये वाला मान अब रखेंगे D/2 का होल बाई अंदर रोट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। डी स्क्वायर बाई फोर। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर उसी सूत्र का प्रयोग करना है। यहां पर ये हो जाएगा Q×D है ना। ये जो 2 है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये अंश में है और ये 2 हर में है। तो ये बच गया Q×D। क्या बच गया? Q×D। तो यहां पे सबसे पहले लिख लेंगे 1/4 पाई एप्साइलन 0 × K, 1/4 पाई एप्साइलन 0 × K इंटू इसको हम लिख सकते हैं Q×D बाई। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसको घात के रूप में हम लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर इंटू इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर का होल पावर 1/2। 1/2 यहां पे पावर 1 है तो मैंने बताया था आप लोगों को 1+1/2 जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। क्या होगा? 3/2। समझ में आ रहा है? तो E बराबर 1/4 पाई एप्साइलन 0 × K इंटू Q×D बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर का होल पावर 3/2। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मैं आगे बता रहा हूं। अब तो ये फिगर का कार्य नहीं है लेकिन रहने दे रहे हैं, कहीं आवश्यकता पड़ जाएगा तो बताना पड़ेगा। देखिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं, दिया है वहां पे
अगर आपको मैं ये बता दूं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो ए बी बहुत छोटा हो, ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, तो ए बी बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में जो डी स्क्वायर बाई फोर होगा, यानी डी स्क्वायर का मान तो ये डी बाई टू बहुत छोटा होगा आर से, किससे छोटा होगा आर से। तो इस स्थिति में डी बाई टू को नगण्य लेने पर तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू, देखिए क्यू इंटू डी आवेश तथा आवेशों के बीच के अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहां पे वैद्युत द्विध्रुव को पी से इंडिकेट करते हैं। अब यहां डी स्क्वायर बाई फोर का मान नगण्य लेने पर, जब नगण्य लेंगे तो वहां पे बच जाएगा आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो केवल 3 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 इंटू के पी बाई 2 से 2 कैंसिल तो R के पावर 3। तो इसका जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। मैंने आपको यह भी बताया था पिछले वीडियो में कि यदि माध्यम निर्वात हो या वायु हो तो उस समय k का मान 1 रखा जाता है, क्या रखा जाता है, 1। तो उस स्थिति में सूत्र हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू P बाई आर क्यूब। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपका जो प्रश्न